बेमन से अपनी मर्जी से जैसे भी अगर दादी साहब हमारी शादी के लिए हाँ कह देती हैं तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये शादी तभी होगी जब दादी साहब खुश होंगी। शर्तों वाली शादी मैं नहीं कर सकती। अब दादी साहब चाहे रोहित की स्टूपिड शर्त के आगे झुक भी जाए, हीरा कभी नहीं झुकेगी। रोहित का दर्द उसका जख्म गहरा है और वो जख्म तभी भर पाएगा जब अरमान और अबीरा की शादी होगी। मासा चुप। रोहित की बचकानी जिद के लिए हम अरमान और उस लड़की की शादी करके परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। आपकी भूत चुप हो जाती है, लेकिन अब अरमान और रोहित की माँ बोलेगी, मासा मेरे दोनों बेटों का घर नहीं बस पा रहा है और इसकी वजह सिर्फ आपकी जिद है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के बारे में सोच रही हैं। ये आखिरी बार बता रहे हैं विद्या, हम उस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे।